हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी जिसके एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आज हम लोग HTET TGT PGT बायोलॉजी के लिए, मैं अगला जो टॉपिक हमारा था प्रोटिस्टा, उसकी वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो भी लिए हैं। मैं आपको बताऊंगी भी कि जो जो क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए थे। देखो, मैं बार बार प्रीवियस ईयर इसलिए बोलती हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर ये ना HTET का ऐसा एग्जाम है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, एज इट इज, ऐसा भी नहीं है कि स्टेटमेंट बदल जाए, एज इट इज क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट और एक मेन रोल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इस एग्जाम में। तो इसीलिए जो है उसको कंसिडर करके ही हमें जो है लास्ट 5 ईयर्स का जो पेपर है उसको कंसिडर करके ही मैं जो आपकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो हम लोग आज टॉपिक करने वाले हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने बाकी फ्रेंड्स के पास भी, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सके इस चीज का। ठीक है, देखिए प्रोटिस्टा क्या होते हैं। चलो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटिस्टा कर रहे हैं। तो प्रोटिस्टा क्या है, किंगडम है। ठीक है, तो किंगडम है प्रोटिस्टा। तो इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर मैंने जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर एक ही सेल होता है और वही सेल इनके जितने भी वेरियस एक्टिविटीज है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, जो भी है, मतलब वो एक ही सेल जो है वो सारे प्रोसेस क्या करता है, इनकी बॉडी के अंदर करवाता है। ठीक है, तो अब जो प्रोटिस्टा है इनके अंदर हमें मेनली जो है ये 5 क्लासेस पढ़नी है। ठीक है, मेनली क्या है ये 5 क्लासेस, इसमें आपकी एनसीईआरटी में भी और वैसे भी इतनी ही क्लासेस है इसकी। तो यहां देखो, सबसे पहले है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स को के अंदर क्या क्या आते हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी आता है। क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी आते हैं। ठीक है, ये जो मैं ये स्टार कर रखा है मैंने यहां पर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 का जो HTET हुआ था उसमें ये लाइन एज इट इज दे रखी थी और आपसे पूछा था इनको क्या बोलते हैं। देखो, लाइन दे रखी थी, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वॉटर करंट, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म वो पूछ रहे थे कि जो फ्लोट करते हैं पैसिवली ऑन इन अ वॉटर करंट। फ्लोट पैसिवली का मतलब समझते हो कि मतलब वो अपने आप से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, पानी के बहाव में बहते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे उनको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन, 4 ऑप्शन थे और उसमें से प्लैंकटन एक ऑप्शन था और प्लैंकटन ही इसका आंसर था। ठीक है, तो दे आर माइक्रोस्कोपिक होते हैं क्राइसोफाइट्स एंड फ्लोट पैसिवली इन वॉटर करंट, प्लैंकटन्स भी बोलते हैं इनको। ऐसे जो होते हैं उनको प्लैंकटन्स भी बोला जाता है, जो फ्लोट करते हैं पैसिवली इन अ वॉटर करंट। उसके बाद इनकी सेलवॉल जो होती है, इनकी सेलवॉल बनी होती है सिलिका की। ठीक है, इनकी सेलवॉल किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। और ऐसे सॉप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी सेलवॉल का। ठीक है, ऐसे सॉप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में इनकी जो है बनी होती है, ये सेलवॉल है इनकी, किसकी बनी है, सिलिका की। और इनडिस्ट्रक्टेबल सेलवॉल होती है इनकी, मतलब आप सेलवॉल को इजीली तोड़ नहीं सकते। इवन इनकी जब डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद भी इनके सेलवॉल एज इट इज रहती है, तो वो क्या होती है, डिपोजिट होती चली जाती है, डिपोजिशन होता चला जाता है इनका। और इसीलिए ये डिपोजिट होती जाती है अर्थ में, और इसीलिए क्या बन जाता है धीरे धीरे डिपोजिशन से, इनको डायटोमेशियस अर्थ भी बोलते हैं, डायटोमेशियस अर्थ, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो डिपॉजिट होते 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 क्या बना देती है, डायटोमेशियस अर्थ। ठीक है, तो ये था आपका क्राइसोफाइट्स के जितने भी मेन पॉइंट्स थे। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स को क्या बोलते हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक है, फ्लोट करते हैं पैसिवली इन अ वॉटर करंट, इसीलिए प्लैंकटन्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी है, सिलिका की बनी है, और कैसे होती है, सॉप बॉक्स की तरह। देखो, सॉप बॉक्स होता है ना ऐसे, नीचे जो घरों में सॉप बॉक्स होता है ऊपर से ऐसे कवर, तो इस टाइप से इनका जो, इनकी जो है सेल वॉल की कवरिंग होती है। और ये किसकी बनी है, सिलिका की, इनडिस्ट्रक्टेबल इनकी सेल वॉल होती है। और क्योंकि ये टूटती ही नहीं है इनकी डेथ के बाद भी, तो ये जो है डिपोजिशन होती जाती है, और इसी को हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है डायनोफ्लैजेलेट्स। अब देखिए डायनोफ्लैजेलेट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स क्या होते हैं, इनमें ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सकता है इनका, ये रेड भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। जो सा पिगमेंट होगा वही कलर जो है इनका होता है।
ठीक है, तो दे हैव अ डिफरेंट कलर्स। उसके बाद इनकी सेलवॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इनकी सेलुलोज किसकी बनी है, सेलवॉल सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, दो फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होते हैं। डायनोफ्लैजेलेट्स में कितने फ्लैजेला है, टू फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फ्लैजेला आपको पता है मोटिलिटी ऑर्गन है, तो दो फ्लैजेला इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनली ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, दो फ्लैजेला होते हैं। फिर उसके बाद गोनियोलिक्स, गोनियोलिक्स एक रेड डायनोफ्लैजेलेट है। ठीक है, रेड कलर का डायनोफ्लैजेलेट है ये, रेड कलर का पिगमेंट इसमें होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करता है, रेड टाइड्स कोस करता है। रेड टाइड्स मतलब जहां पर ये होगा तो इसके आसपास का कलर जो है वो रेड नजर आने लगता है, तो इसीलिए रेड टाइड कोस करने के लिए कौन बोला जाता है, वही कौन रेड टाइड कोस करता है, कौन सा डायनोफ्लैजेलेट, गोनियोलिक्स करता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है गोनियोलिक्स के ऊपर और इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, गोनियोलिक्स। उसके बाद डायनोफ्लैजेलेट्स का हो गया। डायनोफ्लैजेलेट्स में एक चीज बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, वो ये कि ये ना एक काइंड का ना मतलब जैसे कह सकते हो आप लोग प्रोड्यूस करती हैं कुछ सिक्रीशन, या फिर ऐसा कि जब एनिमी हो या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म इनकी प्रेजेंस में आता है ना, तो ये उसको किल मतलब मार भी सकते हैं उसको। ठीक है, किल कर सकते हैं उसको। तो ये इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे डायनोफ्लैजेलेट्स के। अब इसके बाद देखो यूग्लेनॉइड्स के, यूग्लेनॉइड से कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखो। यूग्लेनॉइड जनरली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका कि इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा है, तो यूग्लेनॉइड जो है वो हमेशा जनरली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके पास सेलवॉल नहीं होती, सेलवॉल की जगह पर एक प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसका नाम होता है पेलिकल। ठीक है, पेलिकल प्रेजेंट होती है इन स्पाइट ऑफ सेलवॉल। ठीक है, दो फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होते हैं इसमें भी, लेकिन इसकी तरह नहीं कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, वो कैसे होते हैं, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट फ्लैजेला प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, यूग्लेनॉइड जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब कि फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है कि अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पर अगर सनलाइट एब्सेंट है, सनलाइट इनको नहीं मिल रही, तो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फॉलो कर लेते हैं, हेटरोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफ्स बन जाते हैं, ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उस तरीके से भी अपना फूड जो है ये ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो ये होंगे डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स। अब अगला है हमारा स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। तो देखो स्लाइम मोल्ड सब, ठीक है, ये स्लाइम मोल्ड्स के बारे में लिखा है मैंने यहाँ पे, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में ही है ये। तो अब देखो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, दे आर सेप्रोफिटिक इन नेचर। सेप्रोफिटिक मतलब क्या है कि वो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, दे आर सेप्रोफिटिक इन नेचर, इसीलिए इनको फॉल्स फंगी भी बोलते हैं। ठीक है, फंगस तो नहीं है ये, लेकिन क्योंकि फंगस जैसा इनका क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसीलिए इनको और कुछ हैबिट्स हैं, तो इसीलिए जो इनको फॉल्स फंगी बोला जाता है। ठीक है, जब इनकी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो ये एक एग्रीगेशन फॉर्म करती हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, और एक एग्रीगेट करके एक फॉर्म करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन को प्लास्मोडियम बोलते हैं। ठीक है, जब ये एग्रीगेट होकर एक साथ हो जाते हैं तो उस एग्रीगेशन को क्या बोलते हैं, प्लास्मोडियम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है अगर ये तो फेवरेबल कंडीशन की बात है, अब अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये जो प्लास्मोडियम होते हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज बन जाते हैं और ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। अब स्पोर्स डिस्पर्स हो गए, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो दोबारा से जो क्या है स्लाइम मोल्ड्स बन जाएंगे, एग्रीगेट करके प्लास्मोडियम वगैरह बना लेंगे। तो इस टाइप से स्लाइम मोल्ड्स के बारे में था। अगला अब हमारा है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, जनरली हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटरोट्रॉफिक है। इसमें मेनली आपको चार पढ़ने हैं, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। एमीबॉइड कैसे है, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, अमीबा की तरह सूडोपोडिया फॉर्म करेंगे। सूडोपोडिया क्या करेगा, फॉल्स फीट होते हैं ना अमीबा में, अब वो सूडोपोडिया क्या करेगा, कैप्चर करेगा प्रे को या फूड को, इस टाइप से ये सूडोपोडिया बन गया, अब यहाँ पे फूड है, इसको कैप्चर कर लिया, अंदर ले लिया, तो ये एमीबॉइड टाइप का जो है क्या है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अमीबॉइड लाइक हैबिट्स हैं, हैबिट तो इसको बोलते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। इसमें एग्जांपल क्या है, एंट अमीबा का। ठीक है, अगले हैं फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड कैसे होते हैं, इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और फ्लैजेला की हेल्प से ये क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं या फिर मूवमेंट करते हैं। तो इसमें कौन से आते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ट्राइपनोसोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स इनके। ठीक है, वो सब एग्जाम्पल लिख रखे हैं, अमीबॉइड का एंट अमीबा है, फ्लैजेलेटेड का ट्राइपनोसोमा है,
सिलिएटेड, सिलिएटेड में क्या हो गया कि सिलिया प्रेजेंट होते हैं बॉडी के ऊपर। फ्लैजेला और सिलिया में डिफरेंस होता है, फ्लैजेला ऐसे होता है लॉन्ग है ना, एक या दो, और सिलिया इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। तो अगर सिलिएटेड है तो क्या है, सिलिया के थ्रू मतलब वो क्या करेंगे, अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर उनकी जो भी उनको एक्टिविटीज हैं, सिलिया प्रेजेंट होगा उनके लिए। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया इसमें, पैरामीशियम का हो गया। फिर है स्पोरोजोन्स। ठीक है, स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, स्पोरोजोआ ये एक तरीके से स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडीज और उनमें से स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं, और बाद में जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो वो स्पोर्स जो है फिर प्रोड्यूस हो जाते हैं एज एन ऑर्गेनिज्म। तो ये होता है किसमें, प्लास्मोडियम में भी होती है। तो एग्जांपल जो है इसका क्या है, प्लास्मोडियम है। तो यहां पर हमारा प्रोटिस्टा जो है कंप्लीट हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसकी क्लासेस भी ठीक है कंप्लीट हो गई है। अब यहां पर हमारा मोनेरा हो गया, आज ही आपका प्रोटिस्टा हो गया। इसमें आपको पता है मोनेरा प्रोटिस्टा है ना, फंगस, प्लांट और एनिमल किंगडम, यही है पांच किंगडम हमारे पास। उसमें से एनिमल किंगडम मैं आपको करवा चुकी हूँ, उसमें सिर्फ कॉर्डेट का टॉपिक रहता है, वो मैं किसी दिन क्लास लेकर छोटी सी करा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मोनेरा प्रोटिस्टा और एनिमल किंगडम हो गया। अब आपके दो किंगडम और रहते हैं, प्लांट किंगडम और फंगस, तो वो हम जल्दी से फंजाई जो है वो हम जल्दी से जो है करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सेशन इतना ही रहेगा आपका। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर।